नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोका और जब उसकी चेकिंग की तो कार में से 82 लाख रुपए पुलिस को मिले। इसके बाद चेकिंग में तैनात अधिकारियों ने पूरे मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और वरिष्ठ अधिकारी पूरे मामले में पकड़े गए दोनों ही आरोपी सुनील और दीपक से पूछताछ करने में जुट गए। वहीं पकड़ा गया एक आरोपी बागली का रहने वाला है और दूसरा आरोपी लिम्बोदी का रहने वाला है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि दोनों आरोपी हवाला का पैसा ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की। वहीं पुलिस का अनुमान है कि जल्द ही आरोपियों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं चेकिंग के दौरान जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोका और इतनी बड़ी तादाद में पैसे के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने पुलिसकर्मियों को रिश्वत देने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और पूरे मामले का खुलासा हो गया। देखिए, जो विजयनगर थाना की पुलिस है वो शाम को गश्त कर रही थी और गश्त के दौरान पे एक गाड़ी में 2-3 लोग संदिग्ध दिखे और जब उनसे पूछताछ करी तो उनका जो व्यवहार है वो संदेहास्पद लगा और उसमें जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें रकम उसमें बरामद हुई, तो उन लोगों को लेकर के थाने आए हैं और पूछताछ चल रही है उनसे कि असल में ये पूरा मामला क्या है। देखिए, रकम का अभी गिनती नहीं हुई है, नहीं हो सकी है, तो ये एग्जैक्ट कहना कि कठिन है कि कितना है, लेकिन ये कि बाकी आरोपी उसमें से जो लोग थे वो अपने पकड़ में आ गए हैं तो उनसे पूछताछ चल रही है, बाकी रकम की भी गिनती हो रही है। सर, क्या संभवता हवाला है ये? अभी एग्जैक्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी फिलहाल जो बता रहे हैं वो तो बिल का बता रहे हैं, बाकी देखते हैं उसमें जो भी तथ्य आएंगे वो पूछताछ के बाद ही क्लियर होंगे। इसमें आरोपी अभी जो वर्तमान में अभी पकड़ में है वो 2 लोग हैं हमारे पास में। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।